प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में हुए बीडीसी के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर कहा है कि उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख में बीडीसी के चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। इस दौरान कोई हिंसा ना हुई है। यहाँ लोकतंत्र में लोगों के अटूट विश्वास और महत्व को दर्शाता है कि वह जमीनी स्तर के शासन से अनुरूप है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से ठीक पहले सरकार ने एशिया की सबसे लंबी सुरंग में शामिल चिनैनी नाशरी सुरंग का नाम भारतीय जनसद के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया। गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। जम्मू संभाग के जिला डोडा में आज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा ने कहा कि इस जन औषधि केंद्र से लोगों को दवाइयां रीजनेबल रेट पर मिलेंगी। उन्होंने लोगों से जन औषधि केंद्र का भरपूर लाभ लेने की अपील की। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही एक लैंडमार्क हमारे पास डिसीजन था, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की एस्टेब्लिशमेंट करना हर जिला लेवल पे, हर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे। तो उसी के तहत हमारे ज़िले में दो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है उनको एस्टेब्लिश कर दिया गया है। मैं सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो इम्प्लीकेशन है पेशेंट्स की हेल्थ पे और उनको जो मेडिसिन मुहैया में करानी है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में तंगदार सेक्टर में वीरवार को पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में एक महिला की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। सेना की ओर से करारा जवाब दिया गया जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान की खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तंगदार सेक्टर में पाकिस्तान ने दोपहर बाद 1 बजे भारी गोलाबारी शुरू की और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जिसमें एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। श्रीनगर के बाटमालू में कल देर रात 4 दुकानों में आग लग गई जिसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने वाली दुकानों में वुडन फर्नीचर और होलसेलर जूस की दुकानें थी। जम्मू कश्मीर में आए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुनावों के नतीजों के बाद आज कश्मीर में बीजेपी ने जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अभी संपन्न हुए बीडीसी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे प्रदर्शन किया है और भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। जो परचम कश्मीर में लहरा रहा उसकी फंक्शन सेकंड टायर यहां कंप्लीट हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनके उभरी है। मैं ये वर्ड फिर दोहराता हूं क्योंकि कल से मीडिया में एक प्रोपेगेंडा यहां चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 128 में से 72 सीटों पे अपना परचम लहराया और 72 जगहों पे भारतीय जनता पार्टी जीत के आ गई। ये उसी जीत की खुशी में था कि